Hey people, so today I'm making Oreo balls, or I'll better call them Oreo pops because they look like lollipops. Okay, so इसको बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे 16 to 18 Oreo biscuits और मैं इसको क्रश कर लूँगी एक ब्लेंडर के अंदर. अगर आपके पास ब्लेंडर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको एक ziploc बैग के अंदर भी क्रश कर सकते हैं. उसके बाद मैं इसके अंदर 2.5 tablespoons of milk ऐड कर रही हूँ. ज़्यादा मिल्क ऐड मत कीजिएगा क्योंकि उससे आपका मिक्सचर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और आपके बॉल्स ठीक से नहीं बन पाएंगे. ये इतना मिल्क इसके लिए इनफ है. यहाँ पे हमारा मिक्सचर रेडी हो गया और इसके बाद मैं अपने हैंड्स को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर दूंगी और उसके बाद मैं बॉल्स बनाऊंगी इस मिक्सचर के. इन बॉल्स को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं इसके अंदर स्क्यूअर्स लगा रही हूँ. मेरे पास यही अवेलेबल थे और मैं इसको उल्टा इससे लगा रही हूँ ताकि लॉलीपॉप का शेप दे सकें और बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है इस तरह से. फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स के लिए आप अपने बॉल्स को फ्रीजर में रख दीजिए ताकि थोड़ी सी स्टिफ हो जाए और सॉस में डिप करना आसान हो. चॉकलेट सॉस कम्प्लीटली ऑप्शनल है लेकिन इसको बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1 cup ऑफ चॉकलेट, 1/4 cup ऑफ ऑयल. बटर अवेलेबल है तो आप बटर यूज़ कर लीजिए लेकिन हर वक्त बटर अवेलेबल नहीं होता इसलिए मैंने इसके अंदर ऑयल यूज़ किया है. अगर आप बटर यूज़ करें तो सेम क्वांटिटी यूज़ कर लें. 1 minute के लिए मैं इसको माइक्रोवेव में मेल्ट कर लूँगी. माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसको डबल बॉयलर पे भी मेल्ट कर सकते हैं. बॉल्स को चॉकलेट सॉस के अंदर डिप कर रही हूँ लेकिन आप ये देख लीजिए कि चॉकलेट सॉस के अंदर डिप करने वाला जो स्टेप है वो टोटली ऑप्शनल है. अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, आप स्किप कर दें. लेकिन थोड़ा सा फैंसी लुक देने के लिए मैंने इसको चॉकलेट सॉस के अंदर डिप किया है क्योंकि किड्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है. अच्छा, चॉकलेट सॉस में डिप करने के बाद मैं इसके अंदर थोड़े से स्प्रिंकल से इसकी टॉपिंग करूँगी ताकि वो और इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा फैंसी लुक दे सके. स्प्रिंकल्स की टॉपिंग करने के बाद अब मैं कुछ ओरियो बॉल्स के ऊपर क्रश्ड ओरियोस की टॉपिंग करूंगी. तो हमारे ओरियो बॉल्स स्लैश ओरियो पॉप्स रेडी हैं. आप इसको सर्व करने से पहले 15 टू 20 मिनट्स के लिए फ्रीजर में ज़रूर रखें. उसके बाद ये बहुत मज़े के लगते हैं. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम.